चलिए दोस्तों, तो आज हम लेकर के आए हैं वैदिक सभ्यता का पार्ट 3। कल हमने लगभग उसमें 32 क्वेश्चन सॉरी 31 क्वेश्चन रखे थे लगभग, और लगभग लगभग थोड़ा सा क्वेश्चन टफ थे। आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़ा सा कल की अपेक्षा और ज़्यादा टफ रहेंगे, तो बड़े ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा। और पर्टिकुलर आंसर आपको लाइव चैट में देना है, 7 से 10 सेकेंड का आपके पास समय रहेगा। और जैसा कि आपके लाइव चैट के दौरान कल के वीडियो में मैंने देखा था कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स की डिमांड की है उसकी टेस्ट सीरीज़ की, तो अपन जल्द ही उसकी प्रिपरेशन करके आपके सामने उसकी टेस्ट सीरीज़ को चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं उसी के आगे का पार्ट। और ये मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद मैं नए सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ लाऊं। अभी 1 2 दिन 3 दिन के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज को हम स्टॉप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा वैदिक सभ्यता का पार्ट 3 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ से मिलता है। ये क्वेश्चन लगभग 2 3 बार रिपीट हो गया है, आज आपको इसका सही आंसर देना है। चलिए बताइए जल्दी। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमको वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में है। श्रेत सूत्र, मनुस्मृति, ग्रहम सूत्र या धर्म सूत्र, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रहम सूत्र। ग्रहम सूत्र से हमें 16 संस्कारों का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है। ऑप्शन ए हिब्रू, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी पर्शियन, ऑप्शन डी अरबी, जल्दी बताएं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्शियन। ठीक है ना, पर्शियन भाषा जो है इंडो आर्यन भाषा से क्या रखती है, संबंध रखती है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई थी। ये मैंने दोबारा रिपीट किया है क्वेश्चन, इसका आंसर आपको स्वयं देना है कि इसकी सर्वप्रथम व्यक्ति कहाँ की, अभिव्यक्ति कहाँ की गई है इसकी, तो बताएंगे ऋग्वेद में, उपनिषद में, मनुस्मृति में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं देंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस में मिलता है, वेदों में, उपनिषदों में, धर्म सूत्रों में या मनुस्मृतियों में, सॉरी स्मृतियों में। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है उपनिषदों में। ठीक है, अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन सर्वप्रथम हमें किस में मिलता है, उपनिषदों में प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था, भोग, भाग, बलि, उक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है बलि। ठीक है ना,
ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार कौन सा था? आपका बलि था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित थे? जन्म से, यौवन से, विवाह से, मृत्यु से? जल्दी बताएं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवाह। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के बारे में मैंने वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाके उस वीडियो को देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा क्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक भारत में ऑप्शन नंबर ए, राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे। ऑप्शन बी, सभी स्त्रियां संपत्ति की वारिस बन सकती थीं। ऑप्शन सी, सती प्रथा का व्यापक प्रचलन था। ऑप्शन डी, स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध थी। चलिए इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे, यानी कि राजा एक से अधिक विवाह कर सकता था, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्म कांडों से विशेष रूप से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? जल्दी आंसर करें। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है यजुर्वेद, क्योंकि इसमें यज्ञ कराने की विधियों का वर्णन मिलता है। तो यज्ञ किससे संबंधित है? कर्मकांडों से। इसलिए यजुर्वेद को क्या माना जाता है? यह एक ऐसा वेद है जो कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का एक चौथाई निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बताइए जरा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंद्र, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में लगभग एक चौथाई भाग के जो मंत्र हैं वो इंद्र को समर्पित है। देखिए अगला क्वेश्चन, मैंने आपसे पहले तो मंत्रों की रचयिता पूछी थी, अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया है कि निम्नलिखित में से कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी, ठीक है ना। ऑप्शन ए विश्ववारा, ऑप्शन बी अपाला, ऑप्शन सी गार्गी, ऑप्शन डी घोसा। बताएं इसका आंसर। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गार्गी, ठीक है ना। गार्गी वैदिक मंत्र की रचयिता नहीं थी, जबकि विश्ववारा, अपाला और घोसा ये वैदिक मंत्र की रचयिता थी। मैंने आपको कल ही ये क्वेश्चन बताया था, इनमें इन तीनों का नाम था, तो जब तीनों का नाम था तो आप निश्चित रूप से इसका आंसर आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध था अपहरण, पशुओं की चोरी, डकैती या हत्या? बताइए इन चार ऑप्शन में सही आंसर कौन सा है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पशुओं की चोरी। तो वैदिक सभ्यता में या ऋग्वेद में पता चलता है कि पशुओं की चोरी एक सामान्य अपराध रहा है,
ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि आत्मा की आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में, उपनिषद में, भगवद गीता में या रामायण में? बताइए, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में, उपनिषद में, भगवद गीता में या रामायण में? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। सबसे पहले आत्मा की परिकल्पना की जो हमें प्राप्त होती है, परिकल्पना आत्मा के आवागमन की, वो ऋग्वेद में प्राप्त होती है, ठीक है ना। चलिए अगला थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। बताएं, बोगजगोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम या ऑप्शन नंबर बी इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र या ऑप्शन नंबर सी इंद्र, वरुण, रुद्र, सोम या ऑप्शन नंबर डी इंद्र, नासत्य, सूर्य और पूषण। जल्दी बताएं, इसका आंसर करें। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कि जो बोगजगोई अभिलेख है उसमें इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र जैसे वैदिक देवताओं का हमें क्या प्राप्त होता है? उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, थोड़ा टफ क्वेश्चन था लेकिन आपने प्रयास अच्छा किया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस संहिता को ब्रह्म वेद कहा गया है? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, साम वेद को, अथर्व वेद को? जल्दी बताइए, ब्रह्म वेद के नाम से किस वेद को जाना जाता है? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद को। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। इसका पाठ करने वाले लोगों को भी ब्रह्मा कहा जाता है। आपको मैंने वैदिक सभ्यता के वीडियो में पढ़ाया था, अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो उसे देख लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ, ये दोबारा से आया हुआ है तो इसका आंसर आपको स्वयं करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ क्लासिकल स्वरूप में मानी जाती है, ऊर्ध्वगामी क्रमानुसार, पुरोहित प्रधान, सामाजिक सौहार्द या कार्यों का विभाजन? बताएं कि भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ स्वरूप में मानी जाती है, ऊर्ध्वगामी क्रमानुसार, पुरोहित प्रधान, सामाजिक सौहार्द या कार्यों का विभाजन? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्यों का विभाजन, ठीक है। देखिए, दशराग युद्ध का उत्तर भी मैंने टिक कर दिया है, जिनको नहीं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो नोट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्यों का विभाजन। भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ स्वरूप में कार्यों के विभाजन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेदांग की कुल संख्या कितनी है? जल्दी बताएं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताइए, वेदांगों की कुल संख्या 3, 4, 5, 6? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। वेदों के अंग कितने माने गए हैं? 6 माने गए। अगला क्वेश्चन है, सामवेद ग्रंथ है मंत्रों का, चिकित्सा का, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का या प्राचीन भारतीय इतिहास का? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। बताइए जल्दी।
चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है सामवेद ग्रंथ, मंत्रों का संग्रह। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मंत्रों का संग्रह प्राचीन भारतीय इतिहास का नहीं है, मंत्रों का संग्रह। अगला क्वेश्चन है कि सुदास के विरुद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध, दशराग युद्ध के नाम से जो जाना जाता है, 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? वशिष्ठ, विश्वामित्र, पुरु, कुरु। जल्दी बताएं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। सुदास के विरुद्ध जो 10 राजाओं ने युद्ध लड़ा था, जिसे दशराग युद्ध कहते, परुश्ली नदी किनारे, वो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? वशिष्ठ, विश्वामित्र, पुरु, कुरु। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। तो ये युद्ध जो है विश्वामित्र के विरुद्ध, सॉरी, नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है, ये आंसर आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल निम्नलिखित में से किस एक को ही समर्पित सूत्रों का संग्रह है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी सूर्य। ये क्वेश्चन कल भी आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है सोम। 9वें मंडल में संपूर्ण सोम को क्या किया गया है? समर्पित किया गया है इसका 9वां मंडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजस्व गठन में मुख्य परिवर्तन हुआ था, और वह परिवर्तन क्या हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए राजा भूमि का स्वामी हो गया था, ऑप्शन बी राजा का पद पैतृक हो गया, ऑप्शन सी राज्य के संगठन का आधार कुल ना रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया, ऑप्शन डी प्रशासकीय अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो गई। बताइए इसका सही आंसर क्या है? चलिए दोस्तों, जो पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजस्व गठन में मुख्य जो परिवर्तन हुआ था, वह क्या था कि जो राज्य के संगठन का आधार कुल था, वह अब कुल न रहकर अपितु क्या बन गया? भूमि विस्तार हो गया। पहले क्या है, परिवार यानी कुल के माध्यम से जो है राजस्व गठन होता था, लेकिन जो मुख्य आधार अब है उसे चेंज करके क्या कर दिया गया? भूमि विस्तार कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आपको याद रखना। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे टफ क्वेश्चन भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपसे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद वर्णित है कि उसने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था, वह किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए अनु, ऑप्शन बी दुहम, ऑप्शन सी त्रेत्सु, ऑप्शन डी यदु। बताइए, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा टफ होते जाएंगे। ठीक है, देखिए, राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में लिखा गया है कि उसने 10 राजाओं के संघों को पराजित किया था, वह त्रित्सु वंश से संबंधित था, वंश से संबंधित। ठीक है, तो उसके वंश का नाम क्या था? त्रित्सु। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ? अथर्ववेद, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण या महाभारत? बताइए, परीक्षित का जो उल्लेख हुआ है किसमें हुआ है?
अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में या फिर महाभारत में। दोस्तों 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद में। पहली बार परीक्षित का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? अथर्ववेद में प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां जो क्वेश्चन है, सॉरी 26वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, इसमें कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। पूछता है, ऑप्शन दे रहा है अजातशत्रु काशी, जनक, ऑप्शन बी है अश्वपति केकय, सी जनक विदेह, जनमेजय गांधार। बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जनमेजय गांधार। ठीक है, जनमेजय कौन था दोस्तों? तो जनमेजय परीक्षित का कौन था? पिता था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, गांधार का राजा पौरुष था। और यहाँ पे आपको सही आंसर यहाँ पे क्या टिक करना है? जनमेजय गांधार। ठीक है, चलिए। बाकी जनक विदेह के थे, अश्वपति केकय क्षेत्र का था, अजातशत्रु काशी के क्षेत्र का था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना होता था? ऑप्शन ए अध्वर्यु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी होता या ऑप्शन डी उद्गाता। बताइए, यानी कि जो यज्ञ का कार्य संपादित होता था उसका निरीक्षण कौन करता था? अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता, उद्गाता। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा क्या करता था? जो भी यज्ञ होते थे उनका निरीक्षण इत्यादि करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग, जो साहित्य का वर्ग था वो क्या था? अर्थशास्त्र, शाकुंतलम, कादंबरी, या ऑप्शन बी उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, ऑप्शन सी रामायण महाभारत, या ऑप्शन डी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अब ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना है। 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आपको बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती करना, शिकार करना, मछली पकड़ना या पशुपालन करना। ये क्वेश्चन भी लगभग मैं पूछ चुका हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन भी मैं आपको नहीं बताने वाला, इसका आंसर आपको तुरंत अभी लाइव चैट बॉक्स में करना है। मैं देख रहा हूँ, मैं अपने नाम से कमेंट करके आपको अभी आंसर बताऊंगा कि क्या है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए। पूछता है कि बताइए सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति का नाम क्या था? वशिष्ठ, याज्ञवल्क, मनु या बौधायन। बताइए, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? वशिष्ठ स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति या मनु स्मृति या बौधायन स्मृति। जल्दी आंसर करें दोस्तों इसका। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनु स्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी मानी जाती है?
मनुस्मृति मानी जाती है। ध्यान रखिएगा ये आंसर, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ऋग्वेद सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की है वह कौन सा है। ब्रह्म, यज्ञवाद, आत्मा, अद्वैतवाद। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, ऋग्वेद सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की है, ब्रह्म, यज्ञवाद, आत्मा, अद्वैतवाद। जल्दी आंसर करें। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यज्ञवाद। जो उपनिषदों के ऋषियों ने जिसकी आलोचना की है वो क्या है, यज्ञवाद। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, आज का लगभग हमने 30 क्वेश्चन का पूरा सेशन देखा और इस 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है अभी कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में जाके बताएं, या फिर कमेंट बॉक्स में लगभग एक एक के कमेंट आने चाहिए। अभी जितने लोग मुझे ऑनलाइन दिख रहे हैं उनमें से किसी का भी कमेंट नहीं आता, क्योंकि पढ़ने नहीं आते हैं बल्कि दरबार करने आते हैं। तो दोस्तों, दरबार करने का समय अब गया, अब देख रहे हैं कि इतनी किल्लत है, बेरोजगारी बड़ी तेज़ी से है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब जल्दी मिल नहीं रही, तो फालतू की पंचायत को छोड़ करके केवल पढ़ाई पर ध्यान लगाइए और जैसे ही कोई वैकेंसी आए उसको अब क्वालिफाई करने का प्रयास करिए। बहुत समय हो गया है, सभी को आपसे उम्मीद है, ध्यान रखिए और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज के वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः, तब तक के लिए नमस्कार।